गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज क्लास सिक्स का लेसन नंबर फर्स्ट संस्कृत का हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो लेसन का नाम है मंगलम। मंगलम मतलब अच्छाइयाँ, अच्छाइयों के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है ना, तो आइए आप मेरे साथ में जुड़िए लेसन में। अभी हम स्टार्ट करते हैं। अहम नमामि मातरम। अहम क्या होता है? मैं, खुद के लिए यूज किया जाता है। जैसे इंग्लिश में आई होता है ना, तो संस्कृत में ये होता है, अहम का होता है मैं। ठीक है ना, नमामि नमस्कार, मातरम माता। ठीक है ना, मातरम क्या होती है? माता। तो इसका हिंदी अनुवाद होगा, मैं माता को नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। ठीक है ना, ये बच्चों के बारे में हम अच्छाइयाँ पढ़ रहे हैं। ओके, फिर आगे देखिए, गुरुवम नमामि सादरम। गुरुवम मतलब गुरु, जो टीचर होते हैं हमारे। ठीक है, जिससे हम शिक्षा प्राप्त करते हैं वो हमारे गुरु होते हैं। नमामि नमस्कार, सादरम आदर या सादर से, जिसको हम रिस्पेक्ट देते हैं ना वो होता है सादर या आदर। ठीक है ना, तो इसका हिंदी अनुवाद होगा कि मैं गुरु को आदर से नमस्कार करता हूँ। ठीक है ना, आगे देखिए, स्वयं पठामी सर्वदा। स्वयं पठामी सर्वदा, स्वयं क्या होता है? खुद। पठामी पढ़ता हूँ, पठामी जो मैंने लकार करवाया ना, देखो आ गया ना पठामी। तो आपको ही पता होना चाहिए कौन से लकार का कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है। ठीक है ना, तो स्वयं पठामी सर्वदा, स्वयं होता है खुद, पठामी पढ़ता हूँ, सर्वदा हमेशा, मैं स्वयं हमेशा पढ़ता हूँ, मैं खुद हमेशा खुद ही पढ़ता हूँ, हमेशा मैं खुद ही पढ़ता हूँ। ठीक है ना, किसी और की जरूरत नहीं है। जैसे आप बोलते हो मम्मी होमवर्क करवा दो, मम्मी पढ़ा दो, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, खुद को ही पढ़ना चाहिए। प्रियम बदामि सर्वदा। सर्वदा मतलब हमेशा, प्रिय अच्छा मीठा, जो प्यारा लगे किसी, हम बोलते हैं जो किसी को सुनने में अच्छा लगे वो ही प्रिय होता है। ठीक है, बदामि बोलना, बदामि क्या होता है भाई? बोलना। ठीक है ना, तो मैं हमेशा प्रिय बोलता हूँ या मीठा बोलता हूँ। ठीक है ना, अच्छा बोलता हूँ। ओके, आप कुछ भी बोल सकते हो इसको, मैं हमेशा अच्छा बोलता हूँ या मैं हमेशा मीठा बोलता हूँ। ठीक है, हितम करोमि सर्वदा। सर्वदा मतलब हमेशा, करोमि करता हूँ या चाहता हूँ, हितम भला। ठीक है ना, मैं हमेशा भला चाहता हूँ, किसका? सभी लोगों का। ठीक है ना, बुरा किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, सबके हित में ही सोचना चाहिए। ओके, शुभम करोमि सर्वदा। सर्वदा मतलब हमेशा, करोमि चाहता हूँ या करता हूँ या सोचता हूँ। ठीक है, शुभ, शुभ या अच्छा। ठीक है ना, शुभम को शुभ, शुभ मतलब अच्छा ही होता है, मैं हमेशा अच्छा करता हूँ। ठीक है ना, विभुम नमामि सादरम। देखिए आगे वाली लाइन आप है, विभुम नमामि सादरम। यहाँ पे जो विभुम आया है ना, ये भगवान के लिए आया है। ठीक है ना, नमामि नमस्कार, सादरम आदर से, तो मैं ईश्वर को आदर से प्रणाम करता हूँ या नमस्कार करता हूँ। ठीक है, गुरुवम नमामि सादरम। इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हमने भगवान को आदर से प्रणाम किया था, उसी प्रकार मैं गुरु को भी आदर से प्रणाम करता हूँ। ठीक है ना, गुरु भी तो भगवान की तरह ही होते हैं। आगे देखिए, चलामि नीति सत्य पथे। चलामि चलता हूँ, नीति नीति, सत्य सत्य, पथे मार्ग, मैं हमेशा सत्य पथ पे चलता हूँ या सत्य के मार्ग पे चलता हूँ। ठीक है ना, हरामि मातृभू व्यथाम। ठीक है,
हरामी मतलब हरण करता हूँ, दूर करता हूँ। हरामी का क्या होगा? हरण करना या दूर करना। मातृभू मातृभूमि, मातृभूमि होती है ना हमारी। व्यथाम पीड़ा, ठीक है ना। तो मैं मातृभूमि की पीड़ा को, उसके दुख को दूर करता हूँ, ठीक है। दधामी साधुता वर्तम, दधामी साधुता वर्तम। दधामी होता है धारण करना, ठीक है ना। साधुता मतलब साधु लोग होते हैं ना, सज्जन, साधु लोगों को हम बोलते हैं, सज्जन भी बोलते हैं। वर्तम वर्त, वर्त ये वाला वर्त नहीं है जो हम फास्ट करते हैं कभी फ्राइडे का कभी सैटरडे का, वो वाला नहीं है। इसका मतलब ये साधुता वर्तम का मतलब है कि जो सज्जन लोग जो जो कार्य करते हैं उसी प्रकार मैं भी उनका अनुसरण करता हूँ, मैं भी वैसा ही व्यवहार करता हूँ। व्रत का मतलब इस प्रकार से यहाँ लिया गया है, ठीक है ना। मैं सज्जन लोगों का क्या करता हूँ? व्रत करता हूँ, ठीक है ना। सज्जन लोगों के आचरण का व्रत करता हूँ, जैसे जो जो वो व्यवहार करते हैं जो आचरण करते हैं उसी पथ पे मैं भी उसी प्रकार से आचरण करता हूँ। आगे देखिए, श्री जामी कीर्ति सतक सतक था मैं। श्री जामी सृजन करना, रचना करना। श्री जामी क्या होता है? रचना करना, ठीक है ना। कोई भी नई चीज जैसे हम रचना करते हैं ना, तो वो ही होता है, ठीक है ना, रचना करना। कीर्ति, कीर्ति मतलब यश, ठीक है। सत्य, सत्य कथाम कथा, कथा या कहानी। मैं हमेशा सत्य कहानियों की रचना करता हूँ, ठीक है ना। कोई भी ऐसे मतलब झूठ नहीं बोलता, इसका मीन यही होता है कि मैं हमेशा सत्य कहानियों की ही रचना करता हूँ, जो सत्य पर आधारित हो ना उसी की मैं रचना करता हूँ। प्रभु नमामि साद्रम, मैं प्रभु ईश्वर, ठीक है। प्रभु क्या होता है? ईश्वर। नमामि नमस्कार, साद्रम आदर से, मैं ईश्वर को आदर से नमस्कार करता हूँ। अहम नमामि मातरम, अहम क्या होता है बताओ, मैंने पीछे भी बताया था ना, अहम होता है मैं। अहम क्या होता है? मैं, खुद के लिए बोला जाता है अहम, ठीक है ना। अहम नमामि मातरम, नमामि नमस्कार मातरम, माता को, मैं माता को नमस्कार करता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये लेसन कंप्लीट हो चुका है, और इसके अंदर जितने भी मतलब जो वर्ड मीनिंग है ना, तो उसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, और ये प्रार्थना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसको रीड कर लेना, तो ये आपके समझ में आ जाएगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।